नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश की प्रगति में सबसे अहम योगदान होता है देश में सिविल सर्विसेज पर नियुक्त अधिकारियों का। ये अगर चाहे और ठान ले तो देश को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वही लोग होते हैं जो सरकार और आवाम के बीच एक पुल का काम करते हैं, जो देश की जनता के बीच रहकर सभी सुविधाओं को उन तक पहुंचाते हैं। तो वहीं आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आपको देश के सिविल अधिकारियों पर नाज होगा। इसकी वजह भी काफी खास है। इस अधिकारी की काबिलियत और समझदारी से देश के प्रधानमंत्री भी काफी प्रभावित हुए हैं। मोदी जी अधिकारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें पीएमओ में सेक्रेटरी के पद पर तैनाती दे दी। ये बात सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा से ही काबिल और जिम्मेदार अफसरों को सम्मानित करते रहे हैं। तो वहीं ऐसे में आईएएस अफसर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्हें नियुक्ति दे दी। ये कहानी पहाड़ों पर तैनात आईएएस अफसर मंगेश गिलडयाल की है। ये ठीक वैसे ही अफसर हैं जो अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से देश को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। ये ऐसे अफसर हैं जिन्हें जहां भी पोस्टिंग मिली वहां अपने मानवीय गुण को लेकर चर्चा में रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो वहीं मंगेश गिलडयाल की तरह ही उनकी पत्नी उषा गिलडयाल ने भी उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए उनका पूरी तरह से सहयोग किया। जब वे रुद्रप्रयाग में डीएम थे तो उन्होंने एक विद्यालय को गोद लिया था। टीचर्स की कमी होने के चलते उनकी पत्नी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय और बालिका इंटर कॉलेज में समय समय पर बच्चों की कक्षाएं ली। इतना ही नहीं, राजीव गांधी नवोदय और जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए खुद डीएम मंगेश और उनकी पत्नी ने पांचवी के बच्चों की गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय पर कक्षाएं ली थी। बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी बालिका इंटर कॉलेज में दसवीं की बच्चियों को महीने भर तक पढ़ाती थी। तो इसी के साथ मंगेश से जुड़ी एक बेहद खास बात यह है कि जब वे रुद्रप्रयाग में डीएम पद पर आसीन थे तो उस दौरान वे भेष बदलकर कई बार इलाके में निरीक्षण पर निकलते थे। इस अनोखे तरीके से उन्होंने कई बार बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले चेहरों को बेनकाब किया था। उनका यह तरीका काफी चर्चित भी रहा था। उनके इन सभी कार्यों को मद्देनजर रखते हुए 12 सितंबर 2020 में मंगेश को पीएमओ में बुलावा आया। वे उस वक्त टिहरी जिले के जिलाधिकारी थे। उत्तराखंड शासन को उन्हें रिलीव करने से संबंध में चिट्ठी भेजी गई और उन्हें पीएमओ में सेक्रेटरी पद पर तैनाती की सूचना दी गई। तो वहीं पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों में भी मंगेश ने अहम भूमिका निभाई थी। तो आपको डीएम मंगेश कुमार की यह प्रेरणादायी सफर की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।